सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। एंड गाइज, तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मीडिया टेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट के बारे में, जो कि ये चिपसेट आपको कुछ ही दिनों में इंडिया में देखने को मिलेगा, और कब देखने को मिलेगा ये भी हम आज की इस वाली वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो और आप इस चिपसेट की क्या UHD ग्राफिक्स पे पबजी खेल पाओगे, और भी कई सारी चीज़ें जैसा कि इन चिपसेट से रिगार्डिंग, तो टोटल चीज़ बात करेंगे। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। एंड गाइस, तो मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट जो है वो आपको कुछ ही दिनों में इंडिया में देखने को मिलेगा। बट बात की जो चिपसेट है, ये चिपसेट आपको 200 मेगापिक्सल सपोर्ट करेगी इसके कैमरा के अंदर। और बात की जाए इसके स्पेक्स की, तो जैसा कि 2.6 GHz की 2 ARM कॉर्टेक्स देखने को मिलेगी, जो कि A78 CPU होगा, और 6 ARM कॉर्टेक्स A55 होगी जो कि GPU होगा। और वर्किंग हेल्थ, जैसा कि वर्किंग एट द 2 GHz पे ये क्लॉक करेगा, 2 GHz की स्पीड से चलेगी। और तो और जैसा कि माली G60 MC4 ग्राफिक्स होगी, जो कि आपको गेमिंग के अंदर ग्राफिक्स भी काफ़ी नेक्स्ट लेवल देखने मिलेगी। शायद से यही चिपसेट के ऊपर आपको जैसा कि UHD ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा, मैं उतना कंफर्म नहीं कर सकता। बट इस पर आप जैसा कि स्मूथ प्लस एक्सट्रीम 90 FPS और अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा तो कर ही पाओ, और तो उससे बेटर भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे शायद। और तो जैसे कि इसके ऊपर आप नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर पाओगे। और तो और बात कीजिए, ये जो चिपसेट है ना वो 6 nanometer बेस्ड आर्किटेक्चर पर बना हुआ है, और TSMC द्वारा ये मैन्युफैक्चर किया गया है। और तो और बताया जा रहा है कि ये जो है मीडियाटेक डायमेंसिटी का 920 वाला चिपसेट जो है उसका सक्सेसर होगा। और ये बेस्ट स्मार्टफोन Xiaomi 11i और Redmi Note 11 Pro Plus, चाइनीज एडिशन, Vivo V23 5G, Infinix 05 Ultra 5G, ये सारे स्मार्टफोन जो है जिनके ऊपर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 चिपसेट देखने को मिल जाते हैं। जो चिपसेट है उस पर भी आप नेक्स्ट लेवल की गेमिंग कर पाओगे इन सारे स्मार्टफोन के ऊपर, और इससे भी बेटर चिपसेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, डायमेंसिटी 1080 चिपसेट। और बताया जा रहा है कि ये जो चिपसेट है ना वो मिड रेंज लेवल के लिए बनाया जा रहा है, जो कि मिड रेंज स्मार्टफोन के अंदर आपको ये चिपसेट देखने को मिलेगा, और ये चिपसेट 5G होने वाला है। तो साथ आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, DDR5X RAM, UFS 3.1, 200 MP सपोर्ट, और 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, क्वाइट कैमरा सेटअप तक जैसा कि ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगी। और तो 120Hz का रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस, वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, Dual 5G और Dual Standby। तो जैसा कि ये चिपसेट आपको इतना कुछ स्पेक्स प्रोवाइड करता है। और बात की जाए इसके फाइनल लॉन्च डेट के बारे में, तो ये जो चिपसेट बताया जा रहा है कि ये चिपसेट आपको Q4 2022 में फाइनल लॉन्च देखने को मिलेगा। जैसा कि ये चिपसेट आपको क्या पता नवंबर या दिसंबर, या दिसंबर के स्टार्टिंग या नवंबर के एंड में देखने को मिल जाए। तो और बताया जा रहा है कि ये जो चिपसेट है वो फर्स्ट ऑफ ऑल रेडमी नोट 12 स्मार्टफोन के अंदर आएगा। और तो ये थी मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 चिपसेट के स्पेसिफिकेशन, एंड आपको कैसी लगी वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर से बताएं। और तो और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, और ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपसे कोई भी मिस ना हो। सो